तो गाइस चलो चलते हैं। भाई हमने 25 मिनट में भी हो गए। 25 मिनट। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हिमू बाबा व्लॉग्स में। तो अभी 11 बज चुके हैं, नहा धो के रेडी हो चुका हूँ और आज व्लॉग बना रहा हूँ। मतलब चार दिन से आप देख रहे होंगे मम्मी और के व्लॉग आ रहे हैं और लोग बाहर मेरे देख लिया कैसा व्लॉग है। आप भी देख चुके हैं कैसा व्लॉग था, लेकिन कोई बात नहीं, ढाल दिया मैंने, व्यूज़ भी नहीं आ रहे तो आप ही जगाना पड़ेगा सारे सब्सक्राइबर को, कोई देखना ही नहीं चाहता। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज से अपना व्लॉग। आज बना रहा हूँ व्लॉग, चार दिन से व्लॉग नहीं, पाँच दिन हो गए, आज छठवें दिन है, आज व्लॉग बना रहा हूँ। आज 14 तारीख हो चुकी है, चलो व्लॉग बना ही लेता हूँ, इतने दिन हो गए व्लॉग नहीं बना रहा। तो बाग बोर हो चुके हैं मम्मी और का व्लॉग देख के। तेरे साइड बोर हो गए? हाँ, सब हो गए बोर। तू ही बनाया था? हाँ। आखिर यार व्लॉग तो मैं ही बनाता हूँ यार गाइस, क्यों कमेंट कर देना। आप देखता हूँ ये व्लॉग बना रहा हूँ और कैसा बनता है, कितने व्यूज आते हैं, सबको पता चल जाएगा। तेरे साइड तो अभी हम सोच रहे, देखा प्लान बना रहे, क्या कल चलेंगे भानगढ़, 7 बजे सब देखने के लिए तैयार हो जाना। हम जाएंगे भूतों का भानगढ़, पहले कंफर्म तो कर ले। अभी गाइस कंफर्म नहीं हुआ, पहले पूछताछ करेंगे, देखा सोन से पूछेंगे चलेगा तो ठीक, नहीं तो फिर कैंसिल करेंगे। क्यों नहीं देखते क्या होता है, फिर हम चल जाएंगे स्कूटी। अपन दोनों चल चलेंगे, स्कूटी से चल चलेंगे, क्योंकि लोग बाग यार मतलब देखना चाहते हैं यार, लेकिन व्लॉग नहीं बन रहा बढ़िया। और मुझे करना है 1000 सब्सक्राइबर, कैसे जैसे करके 1000 सब्सक्राइबर करूंगा और फिर मिलेगा आपको सरप्राइज। तो उसके लिए इंतजार मत करो, आप फटाफट सब्सक्राइबर बढ़ाओ। अगर सरप्राइज देखना है तो फटाफट 1000 सब्सक्राइबर करा दो बस, और फिर देखते क्या करना है। 1000 सब्सक्राइबर होते ही कुछ ना कुछ तो होगा जरूर, पक्का एक नंबर, मजा आ जाएगा। तो चलो मंदिर वंदिर जाके आता हूँ, खाना वाना खाता हूँ, रेडी होता हूँ, फ्री होता हूँ और व्लॉग तो बन ही रहा है। आज का व्लॉग बना के छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए चाहे से। तो चलो चलते हैं, और मज़ा आना ही चाहिए आपको, मज़ा नहीं आएगा तो कोई नहीं देख रहा व्लॉग। जब तक मज़ा नहीं आता जब तक कोई नहीं देखता, मैं खुद ही नहीं देखता। तो चलो चलते हैं, और साहिब जा रहे हैं अभी दुकान और फिर मैं जाऊँगा वापस दुकान, क्योंकि साहिब और मम्मी जाएगी टिकट बुक कराने जून के। जून मतलब अभी देखो अभी फरवरी चल रही है, एडवांस बुकिंग करानी पड़ती है, तो जून के टिकट करा के आएंगे महाकाल के। और ये भी जाएगा, ये अभी मई में अप्रैल में भी जाएगा और जून में भी जाएगा, लेकिन अब नहीं बनाएगा व्लॉग, बनाएगा भी ना अब नया दीदी बनाएगी। हाँ नया दीदी जाएगी, तो ये अगर ये व्लॉग बनाएगा भी ना तो देख लेंगे, इनके चैनल पे अपलोड होंगे, मेरे चैनल पे तो नहीं होंगे भाई साहब, क्योंकि अपने व्यूज ही नहीं हो रहे चैनल पे, लोग बाग देखना नहीं चाहते, बस मेरा व्लॉग ही देखना चाहते हैं। तो अपन अब मेरा ही व्लॉग डलेगा, टेंशन मत लो, चलो चलते हैं। तो गाइज अभी मैं मंदिर जाकर आ चुका हूँ, तो पूछता हूँ देखा सोन से, और है ना ये सोन मतलब वो लगाएगा पत्थर टाइल लगवा रहा है बेसमेंट उधर कमरे में जहाँ पर केक बनते, वो कहे गंदगी ज़्यादा रहती है, वो टाइल लग जाएगी तो अच्छी तरह सफाई हो जाएगी और दीवारों पर भी लगवाएगा, तो आपको दिखाऊंगा पूरा। और अभी ये बैठे हैं, इनसे पूछते कैसा लगा व्लॉग, मम्मी और का व्लॉग कैसा लग रहा है। तब गए और कल हम जाएंगे घूमने, सोन और तो नहीं जा पाएंगे, चलेगा कल क्या इनके कारीगर आएगा टाइले लगाएगा, तो मैं भूल गया था अभी इससे पूछा हूँ, कल भानगढ़ जा रहे मैं और ऐसे भी लोग बनाने के लिए यार गाइस बोर हो गए पड़े पड़े, ये लोग नहीं मिल रहे इनको बढ़िया। फिर कब रहेगा फिर जब चल चले और तुम्हें? 3 दिन बाद। 3 दिन बाद? 3 दिन में लग जाएगी पूरी टाइल चारों तरफ, तेरा कोई भरोसा नहीं तो आगे प्लान बढ़ा देगा। एक्स्ट्रा भी लगवा सकता है टाइल, लगवा ले यार, टाइल लगने से क्या है बेस्ट लगे, अच्छा लगे, ठीक है अच्छा। तो कल हम साहिब और साहिब फिर आगे चलते हैं स्कूटी से, चल चले व्लॉग चाहिए यार लोग गाइस को यार। तो गाइस अभी तो पूरा कंफर्म तो हुआ नहीं, बाकी देख लेंगे कल सोचेंगे जाना है नहीं जाना। और सोन तो चल नहीं सकता क्योंकि कल कारीगर आएगा और टाइल लगाएगा अंदर, तो इन्होंने सामान खाली कर ही दिया, देखो रैंक के लगा दी इधर सामने, रैंक इधर रख दिया, बस फ्रिज व्रिज रखे हैं जो आज रात को खाली कर देंगे और कल कारीगर आके स्टार्ट कर देगा काम। और बाहर टाइलें रखी हुई, कातले रखे, मतलब रैंक ही बनाएंगे, किचन की तरह बनाएंगे नीचे की साइड, तो आपको दिखाऊंगा मैं। और उत्तम तो कुछ कहना चाहते हैं क्या गाइस को? क्यों कुछ तो कह यार, तेरे मन में क्या है? नींद आ रही मेरे को तो सोऊंगा। कुछ तो गाइस, हाँ ये 2 बजे सोए थे रात को और सुबह 3 बजे उठ गए, 3 बजे उठ गए, मैं तो 3:30 उठा था, 1.5 घंटे ही सोए मतलब। सही है यार, क्या कर रहे थे पूरी रात? नींद तो आती नहीं वैसे। क्यों
ऑर्डर भी तो आते अच्छा रात को 2 बजे तक केक बनाए थे तुम? नहीं तो 3 बजे 3:30 बजे स्टार्ट हुए तुम 3:30 बजे केक बनाना स्टार्ट करे और फ्री भी हो गए आज देकर भी हो गए यार कबर चाक बोल देख के आके तुम्हारा और बना ली अब फ्री हो गया मतलब अब नहीं बढ़ा अब नहीं उड़ जाएंगे तो तो चले फिर घूमने आज क्या है तो गाइस आज वैलेंटाइन डे है ना जिसलिए आप भी फ्री नहीं क्योंकि जल्दी बना लिया और अभी और बना सकता है तो आज है ना हम रात को वहाँ पर जाएंगे लगन में जाएंगे राधिका पैलेस तो आपको दिखाऊंगा मैं चलेगा ना तुम उठ जाओ अच्छा अभी भी नींद आ रही तेरे को तो ऐसे करा आराम कर ले थोड़ी देर फिर बाद में नहा लेना नया घर से तो ऐसे अभी 2:30 बज चुके और मैं जा रहा हूँ दुकान मम्मी को लेके मम्मी जा रही टिकट बुक कराने चलो चलते हैं और मैं जब दुकान पर रहूँगा मम्मी और साहिब जा रहे तो गाइस मैं बैठा हूँ दुकान पर और ये जा रहे टिकट बुक कराने बाय मैया आ जाना फटाफट काल पे मैं बांध गिर जावला नहीं यार क्यों अपन दो ही क्या जाएंगे क्यों फोन तो नहीं जाए वो कारीगर आया है फिर कब के लिए बोला है मैं सोच रहा 3 दिन बाद 3 दिन बाद तो चलो मैं तो बैठा रहता हूँ फिर आ जाऊँगा फिर जाऊँगा घर तो गाइस अभी 4:30 बज चुके और साहिब आ गया टिकट बुक करा के तो चलो चलते घर पर आजा भैया आज बहुत टाइम लग गया इनको फिर भीड़ भी थी सभी 7:30 बज चुके और हम तैयार होकर आ चुके हैं हम जा रहे हैं पांचों भाई और क्या है अब होंडा सिटी जाएंगे लेकिन ये गाड़ी खड़ी है पीछे सोन और के किराएदार की नंबर है तो फ़ोन करता है देखा इसको उठाएंगे अगर नहीं आया ना भैया बोला फ़ोन नंबर नहीं मिले ना तो फिर जिप्सी ले चलेंगे तो देखा फ़ोन उत्तम कर रहे हैं देखा फ़ोन इधर ताला भी लग रहा है पता नहीं खा गए तो तैयार तो हो गए पाँचों के पाँचों आजकल के भ्रष्टाचार नेता बन गया आजकल के भ्रष्टाचार नेता गुरु मिल गए उसकी तरह कट कर लिया कोची भी कट गया उसकी तरह और ये कासू और कासू आज तो हीरो लग रहा है ये कब लाए जूते हैं कब लिया कब लाया लाया था 15-20 दिन हो गए अब थोड़ी बदबू आती तेरे जूतों में से पाँव में से आती बस गाइस अभी 7:45 हो चुकी है लेकिन फोन तो उठा रहे थे भैया तो ये पास में कॉलोनी में कोई लेडी संगीत तो वहीं पर थे तो अभी कासू गए बोल के आया दिखा रहे 2 मिनट में गाइस फाइनली गाड़ी हट चुकी है हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और रवाना हो चुके हैं राधिका पैलेस जा रहे हैं तो हम पहुंच जाएंगे 15-20 मिनट में और ये रहे बंदे साफ नहीं करते और फिर चलो चलते हैं और खाना वाना खा के आते हैं दोबारा घर और सर्दी नहीं है आज जैकेट ही नहीं पहन रखे बस कासू पहन के आए जो भी फैशन वाली है ना सर्दी नहीं रुकती ना तो चलो चलते हैं गाइस हम पहुंच चुके हैं पार्किंग में गाड़ी लगा दी अब हम पीछे के रास्ते चलेंगे अंदर इतने आगे से कौन घूम के जाए तो चलो पीछे के रास्ते चलते हैं और यहाँ पर डीजे लग रहे हैं आज लगन है लगन और लेडी संगीत तो चलो चलते हैं तो गाइस नाश्ता भी कर लिया और खाना भी खा लिया फटाफट रेडी हो गए क्योंकि है ना घर पे जाना केक बनाएगा सोन क्या केक का ऑर्डर आ रखा है और ख़त्म हो गया केक बनाएगा तो गाड़ी तो निकाल लिया बस खड़े यहाँ पर साहब का इंतजार कर रहे क्या खाने खा रहे थे क्या तुम तो गाइस ये देखो डांस हो रहा है इधर तो गाइस साहब आ चुका है और अब चलते हैं घर फटाफट अभी 8:50 हो चुकी है मतलब पहुंचने में यहाँ से लगेगी 10-15 मिनट अगर ट्रैफिक होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा 25 मिनट फिर ही हो गए
25 मिनट में वो तो क्या जल्दी बाजी थी इसलिए तू यार वो अब केक बनाएगा फिर देखकर आएगा 10 केक ही बनाने बाकी तो पड़े अच्छा चॉकलेट बनाने और इधर के लिए तो है ना इधर के लिए चांद पोली देख रहेगा ना चॉकलेट तो नहीं चांद पोल देख रहेगा तो चलो चलते हैं और सोहन तो बनाएगा केक और मैं जाऊंगा घर पे कपड़े अपने चेंज करके इस वाले वीडियो को तो कल लूंगा एडिट आज कर लूंगा फिर कल एडिट कर लूंगा बाद में अपलोड कर दूंगा कोई दिक्कत नहीं कल कल और आएगा एक वीडियो आएगा मम्मी का लगन में तो बस वो और देख लिया होगा आपने नौ बज चुके हैं सोन जाएगा केक बनाने और मैं जाऊंगा घर पे तो इस ब्लॉग को तो एंड करते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बाय।